हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फेसिंग करना सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम लोग फेसिंग का सही प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है G01 में फेसिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। फेसिंग प्रोग्रामिंग विद G01 कोड। तो G01 में हम लोग फेसिंग का जो प्रोग्राम है वो सही प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। और फेसिंग में जो हमारा जो टूल है वो वर्किंग कैसे करता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग फेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में इस प्रकार से एक जॉब है। मान लीजिए ये हमारे पास में एक कंपोनेंट है और इस जॉब का जो बाहर का जो डायमीटर है, बाहर का डायमीटर इसका मान लीजिए हमारे पास में है 60 mm का डायमीटर है। तो 60 mm का डायमीटर है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है हमारे पास में, फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल लेंथ 100 mm है। तो टोटल लेंथ 100 mm है और डायमीटर हमारा 60 mm का है। तो अब इस 100 mm के डायमीटर में से हमें क्या करना है, इसको सॉरी 60 mm का जो डायमीटर है, डायमीटर तो क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम लोग फेसिंग करते हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है उस लेंथ के को जो है वो हम लोग कम कर सकते हैं फेसिंग करके। ठीक है, तो फेसिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग के पास में कोई रॉ मटेरियल आता है उसका फेस अगर बराबर नहीं होता है तो उस फेस को बिल्कुल हम लोग बराबर करने के लिए इसकी फेसिंग करते हैं। तो फेसिंग करने के लिए मान लीजिए आज हम लोग इसके आगे फेसिंग करेंगे। तो फेसिंग हम लोग इसके आगे से हम लोगों को 4 mm मटेरियल हमें कट करना है। तो इसके फेस से हमें 4 mm मटेरियल जो है वो कट करना है। तो जब ये 4 mm मटेरियल कट हो जाएगा तो हमारी जो लेंथ है वो हमारी 96 mm जो है वो बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 96 mm। टोटल जो हमारा 100 mm का है और 4 mm ये हमारा कट जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा जो टूल होता है वो किस प्रकार से डेप्थ ऑफ कट लेता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर टूल क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस प्रकार का इंसर्ट से मान लो हम लोग इस टूल को कटवाना चाहते हैं, मटेरियल को कटवाना चाहते हैं, टूल हमारा जो है वो पहले क्या करेगा, ये जेड माइनस में जाएगा, डाया प्लस में रहेगा, जेड माइनस में जाएगा, यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट लेगा और फिर ये जो है इस प्रकार से मटेरियल काटेगा और मटेरियल काटने के लिए बिल्कुल सेंटर तक आएगा। अगर आप बिल्कुल सेंटर तक मटेरियल काटना चाहते हो तो इसको हम लोग बिल्कुल सेंटर फेसिंग कहते हैं, और अगर बीच में किसी डाया के ऊपर टूल को रोकना चाहते हो तो उसको जो है वो स्टेप फेसिंग कहते हैं। तो बिल्कुल सेंटर तक टूल को लेके आना है और सेंटर से भी थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। कई बार क्या होता है कि सेंटर के अंदर थोड़ा सा टिप बच जाता है, तो उस टिप को भी काटने के लिए टूल को हल्का सा हम लोग एक्स माइनस में नीचे की ओर लेके आएंगे। फेसिंग करने के लिए हम लोग जो इंसर्ट यूज़ करते हैं वो इंसर्ट आप जैसे आसानी से आप TNMG से यूज कर सकते हो। TNMG इस प्रकार से आपका इंसर्ट होता है, आप TNMG से काट सकते हो, आप CNMG से काट सकते हो। CNMG इंसर्ट इस प्रकार से होता है, आपका 80 डिग्री का एंगल होता है इसका, ये आपका CNMG से आप काट सकते हो CNMG। उसके बाद में आप स्क्वायर इंसर्ट से भी काट सकते हो, SNMG से भी काट सकते हो, WNMG से भी काट सकते हो, DNMG से भी काट सकते हो, आप इसको जो है वो DNMG से भी काट सकते हो, DNMG, और आप इसको VNMG से भी काट सकते हो, VNMG। तो अगर हम लोग स्ट्रोक ज़्यादा रिमूव कर रहे हैं तो फेसिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर जो है TNMG और CNMG इंसर्ट का जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको काटना कैसे है। इसके अंदर टूल हमारा पहले डेप्थ ऑफ कट लेगा जेड में माइनस में, फिर टूल नीचे की ओर आएगा, कट करने के बाद में टूल वापस जो है वो एक्स प्लस में जाएगा और जेड प्लस में हो जाएगा। तो वो किस प्रकार से हम G01 में काटेंगे, और आज मैं आप लोगों को W का यूज़ करना बताऊँगा कि W का जो यूज़ होता है वो इंक्रीमेंटल वैल्यू इन जेड एक्सिस
के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका यूज भी करना बताऊंगा कि कैसे इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को आज जो है वो 4 mm का मटेरियल काटना है, ये सेंटर है जॉब का, तो 4 mm का मटेरियल काटना है। तो कैसे काटेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले प्रोग्राम बनाता हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे ओ से, ओ 1 2 3 4 एंड ऑफ ब्लॉक, एन 1 एंड ऑफ ब्लॉक, सीक्वेंस नंबर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे डालेंगे G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक हो गया। यहाँ पे डालेंगे हम टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, ठीक है, इस प्रकार से डालना है। उसके बाद में हम लोग डालेंगे यहाँ पे G50 और स्पिंडल स्पीड मान लो 2000 डाला हमने, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। यहाँ पे डालेंगे G96, कटिंग स्पीड डालेंगे 200, M03 स्पिंडल की रोटेशन क्लॉकवाइज कर दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे डालना है हमने G21, G99 और G90 डाल देंगे, ठीक है। ये कोड तो आपको बता चुका हूँ, G21 mm डाटा इनपुट, G90 आपका फीड mm पर रिवोल्यूशन, और G90 का कोड होता है आपका आपका एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये कोड आप डाल सकते हो। उसके साथ में हमें यहाँ पर, अब ये तो हमारा हेडर हो गया है, अब हमें शुरुआत करनी है। तो ये हमारा जो टोटल डायमीटर है ये हमारा 60 mm का है, तो हम लोगों को टूल को कॉल करना है यहाँ से, क्यों टूल हमारा पहले होम पोजीशन पे है, तो उसको नज़दीक लेके आएंगे जॉब के। तो यहाँ पे कोड लगाएंगे G0 का कोड लगाना है, एक्स की वैल्यू डाया कितने का है, 60 mm का है, तो थोड़ा सा प्लस में रखेंगे इसको, तो 62.0 मैंने ले लिया। और जेड में मैंने यहाँ पे एक बार जो है वो 5 mm प्लस में रखा है, 5.0 M08 में कूलेंट को ऑन किया है, तो यहाँ पे M08 में कूलेंट ऑन हो गया। अब आपको क्या करना है, टूल को देखिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, जब भी हम लोग फेसिंग करते हैं ना, तो एक जो पहला जो कट होता है उसको हम लोग थोड़ा सा प्लस में चलाएंगे। प्लस में इसलिए चलाएंगे ताकि आपका जो कई बार क्या होता है ना कि पूरा 100 mm का जॉब नहीं होता है, थोड़ा सा प्लस भी होता है, तो वो जो रफ का जो कोड होता है उस रफ वाले जो कट के अंदर जो है आपका जो टूल है वो अच्छे से जो है वो वर्किंग करेगा, और कोई अगर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो उसमें वो कट जाएगा। तो सबसे पहला कट मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे G0Z 0.5, अभी टूल मेरा जो है वो 0.5 mm जेड में प्लस में है, तो 0.5 mm पे पहला कट मार रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टूल अब बिल्कुल नीचे की ओर लेके आना टूल को, तो G01 में लगाएंगे, जैसे G01 का कोड लगाएंगे, ये सेंटर तक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे टूल की जो पोजीशन वो क्या है कि ये यहाँ पर है टूल, 0.5 mm जो है वो प्लस में है, ठीक है। तो अब टूल को ऐसे नीचे की ओर लेके आएंगे, तो ये सेंटर लाइन हो गई, इस सेंटर लाइन से बिल्कुल नीचे लाएंगे, तो हल्का सा एक्स माइनस में लेके आएंगे, 1 mm या 2 mm। तो यहाँ पर हम लोग G01 में उसको लेके आएंगे, G01 एक्स माइनस हम लोग मान लो लेके आए 2.0, तो 2.0 टूल नीचे आएगा सेंटर लाइन से, और यहाँ पे लगाएंगे फीड लगाया मैंने 0.2, ठीक है। तो फीड 0.2 के हिसाब से टूल हमारा नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर ये हमारा कट जो कट गया है, अब क्या करेंगे, टूल को वापस हमें क्या करना है, वापस ऊपर की ओर पहुँचाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डालेंगे G0 डालने के बाद में हम लोग डालेंगे यहाँ पर W की वैल्यू डालेंगे, W का मतलब होता है इंक्रीमेंटल वैल्यू इन जेड एक्सिस। और अब इंक्रीमेंटल वैल्यू इन जेड एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि टूल आपका यहां पर कटिंग करने के बाद में टूल क्या करेगा, यहां पर जैसे आपका टूल आया एक्स माइनस के अंदर 2 में, तो अब टूल को क्या करना है, डब्ल्यू में वापस करेंगे, एक ही लाइन में 2 वैल्यू डालेंगे। जैसे मान लो मैंने डाल दिया यहां पर W1.0, ठीक है, और यहां पर मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी वापस, कौन से वाली, 62.0 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, अब आपका टूल कैसे काम करेगा ये चीज़ आपको देखना है। तो टूल आपका इसी पॉइंट से देखो, सबसे पहले तो एक्स कितना लिया हमने, ये हमारा डाया 60 की लाइन होगी, एक्स 62 लिया है, ठीक है। तो टूल इस पॉइंट से क्या करेगा, ऐसे तिरछा जो है वो जॉब से दूर हो जाएगा 1 mm। कहने का मतलब ये हुआ कि जॉब के फेस से 1 mm जेड में प्लस हो गया, और यहाँ पर जो है वो आपका एक्स में 2 mm आपका जो है वो टूल प्लस में रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग डाया के अंदर टूल को यू में ऊपर उठाते हैं, उसी प्रकार से डब्लू के अंदर हम लोग जो है वो जेड एक्सिस में टूल को माइनस में भी कर सकते हैं,
प्लस में भी कर सकते हैं, दोनों साइड में कर सकते हैं। तो ये आपका टूल जो है वो ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। अब दूसरा डेप्थ ऑफ कट लेंगे, तो G0 और Z-1, मैं एक एक mm करके काट रहा हूँ, तो Z-1 पे मान लो मैंने लिया Z-1, तो टूल आपका जो है वो Z-1 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टूल आपका, ठीक है। तो ये अब टूल को 1 mm मटेरियल मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है 1 mm का काटने के लिए। टूल अब बिल्कुल नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे कट मारेंगे हम लोग G01 और एक्स लगाना है आपको -X -2.0 लगाएंगे, फीड लगाएंगे 0.2 की। तो टूल फिर 1 mm का मटेरियल काट दिया उसने, टूल नीचे की ओर आ गया। अब टूल को दूर करेंगे G0W 1.0, आप W की जगह में है आप Z का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो Z भी यूज कर सकते हैं, लेकिन Z आपको कितना लगाना है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो Z आपको 1 mm प्लस रखना है, माइनस रखना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो W 1.0 लगाएंगे, बिल्कुल जब W लगा के करते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है, इंक्रीमेंटल वैल्यू डाल के लगाएंगे तो आसान रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगाना है X 62.0, तो टूल आपका वापस ऊपर चला गया, तो हमारा जो है वो 1 mm मटेरियल कट गया है। पहला कट हमने बिल्कुल हवा में लगाया था, अब 1 mm मटेरियल कट गया हमारा फेस से। तो बाकी का प्रोग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे हम लोग करेंगे G0, अब अगला कट लेंगे तो Z-2 हो जाएगा यहाँ पे, तो Z-2.0 एंड ऑफ ब्लॉक, और फिर लेंगे G01, X-2.0 फीड लगाएंगे 0.2 की, एंड ऑफ ब्लॉक G0 X, यहाँ पे लगाएंगे W 1.0 प्लस में वैल्यू होनी चाहिए, और X लगाएंगे 62.0 एंड ऑफ ब्लॉक, तो टूल आपका ऊपर चला जाएगा। अब तीसरा कट लेंगे G0 Z-3 3.0 एंड ऑफ ब्लॉक, अब लगाएंगे यहाँ पे हम लोग G01 X-2.0 और फीड लगाएंगे 0.2। तो इस प्रकार से हमारे जो है वो कट कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे लगाएंगे G0 और W 1.0 और X 62.0, तो टूल हटेगा, दूर चला जाएगा। लास्ट कट बच गया, हमें 4 mm का मटेरियल काटना है, तो हमें लगाना है यहाँ पे Z की वैल्यू Z-4.0 लगाएंगे एंड ऑफ ब्लॉक, और लगाएंगे यहाँ पे G01 X-2.0 और फीड 0.2 लगाएंगे। इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद में अब आपका जो है वो जॉब को दूर करेंगे, ये यहाँ पर आपका कट कंप्लीट हो जाता है 4 mm का। तो G0 लगाएंगे यहाँ पे, आप W 10.0 भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली Z10 लगा दीजिए आप, ठीक है। Z10 लगा दोगे तो टूल आपका जो है वो उसी जगह से क्या हो जाएगा, 10 mm प्लस में हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आप Z10 लगा दीजिए, क्योंकि हमारे कट कंप्लीट हो गया है, तो Z 10.0 और X लगा दो आप 62.0, ठीक है। और आपने यहाँ पे लगा देना है M09 का कोड लगाना है। M09 का मतलब क्या हो गया, आपका कूलेंट ऑफ हो गया, और उसके बाद में आप G28 लगाइए, G28 U0.0 W0.0, और यहाँ पे लगा दीजिए M05, और आप लगा लें M30। तो इस प्रकार से आपको जो है वो फेसिंग का प्रोग्राम बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।